स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल लाइफ प्लान एजुकेशन पॉइंट पे। मैं शिवम वर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस होते हैं, उनको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। केमिकल चेंजेस हम लोगों ने हर एक रिएक्शन के देख लिए थे, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो कि शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग वगैरह पूरा प्रॉपर देख लिया हम लोगों ने। अगर बेटा इनमें से आप लोगों ने एक भी वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देखो ताकि आज की क्लास आपको और अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा प्रीवियस वीडियोस का, तो उसको देख लेना अच्छे से, और फिर आज की वीडियो को देखना, आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ठीक है, हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज आउट होती है। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आउट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। बेटा एंडो का मतलब होता है टू टेक इन और थर्मा का मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करने वाली रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करा जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एंडो। जिसमें टेम्परेचर बाहर रिलीज आउट होगा उसको बोलते हैं एक्सो, ठीक है बेटा। हमारी एवरीडे लाइफ में होने वाले दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन करने के लिए। बेटा सबसे पहला है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेटा रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है ना। देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनते हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज आउट होती है, ठीक है ना। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, किसकी, हीट रिलीज आउट हो रही है एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एंडोथर्मिक। ऑन द अदर हैंड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर in the presence of chlorophyll, in the presence of sunlight, in chlorophyll, ठीक है, gives you C6H12O6, that is glucose, ठीक है, and 6 molecule of oxygen is released out. अच्छा बेटा, यहाँ पर जो heat absorb होती है किसकी form में absorb हो रही है, sunlight की form में absorb हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, heat is being absorbed in the form of sunlight, therefore it is endothermic reaction. बेटा ये exothermic reaction है क्योंकि इसमें heat release out हो रही है in the form of energy, और ये endothermic reaction है क्योंकि इसमें heat जो रही बेटा वो absorb हो रही in the form of sunlight, ठीक है। अब देखो बेटा next, ये तो हो गई on the basis of heat, next is on the basis of product form, ठीक है, product की formation के basis पे, on the basis of product form, ठीक है। तो product के basis पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, types of chemical reaction की, तो first one is combination reaction, combination reaction, ठीक है। second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, ठीक है, और जो आपकी फिफ्थ नंबर की है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटे ये पांच टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम लोग एक छोटे सा बस ओवरव्यू लेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कि अभी हम लोग देख लेते हैं ये होती क्या है, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा नाम से समझना, कंबाइन होना, ठीक है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब जुड़ना। जब दो रिएक्टेंट जुड़ के, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोज होना मतलब टूटना होता है बेटा, ठीक है, डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है, टूटना। तो जैसे ए बी एक सिंगल मतलब ए बी रिएक्टेंट है, अब ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में अगर टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। बच्चों आज हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि कितने तरीके केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, और उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर रेडॉक्स है, हर एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को अभी भी आप लोग एंड तक देखना। अगर आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी ज्यादा अच्छे से। ठीक है बेटा, अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बेटा इसमें देखो, जब भी हम लोग दो चीजों को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहां पर ना हीट रिलीज होती है। ठीक है, जब भी दो रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पर क्या होती है, हीट रिलीज आउट होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज आउट हो रही है, इसलिए ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, सभी के सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। सिमिलरली डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए किसी भी चीज को हमें किसकी जरूरत होती है, हीट की या फिर एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट जो होती है वो एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी कैसे होती है, एंडोथर्मिक। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब लोकेशन को चेंज करना बेटा, नाम से समझना। ठीक है, लोकेशन को चेंज, इसमें क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। देखो जैसे ये है ए प्लस बी सी, ठीक है, तो बन जाएगा आपका ए सी प्लस बी। तो ए ने क्या करा, बी को रिप्लेस करके उसकी पोजिशन ले ली, ए सी बनाया और बी। ठीक है बेटा, तो ये क्यों होता है ऐसा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है, इसको हम लोग सबको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट डबल पोजीशन चेंज होगी। जैसे देखो ना, ए बी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और सी डी एक रिएक्टेंट है, मतलब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है आपका ए डी, ठीक है, और बनता है सी बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टिंग एलिमेंट इज बीइंग टेकिंग प्लेस हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टिंग एलिमेंट्स के बीच में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ द थर्ड वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ दिस वर्ड रेडॉक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रेड एंड ऑक्स। ठीक है, मतलब ये जो बेटा रेडॉक्स वर्ड है ये दो वर्ड्स ने मिलकर बनाया, फर्स्ट वन इज रेड, सेकेंड वन इज ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है ना, रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कैसे होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, टेंथ क्लास है। इस बार आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपके साथ में हम लोग भी बेटा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप लोगों की वीडियो तैयार कर रहे हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और बेटा हमसे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट लोगे, उतना अच्छा आपका करियर बनेगा। ठीक है, तो बेटा लगे रहो, है ना, सारी वीडियोज को अच्छे से देखना, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, ये हमारी टोनिक होती है, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमारी टोनिक होती है। जितना ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट हम लोग आप लोगों को लेके आएंगे। ठीक है, और बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी डाउट आ रहा हो किसी भी टॉपिक में आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिटेल में। ठीक है, हर एक रिएक्शन के एग्जांपल के साथ में बढ़ेंगे। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।